हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे? मैं भी अच्छी हूँ, राम राम। आज मैं जाऊंगी खेतों में घूमने, तो चलो दोस्तों हम खेतों में घूमने चलते हैं। तो अब मैं अपने घर के दरवाजे से बाहर निकल रही हूँ। सबरी आऊंगी, देखो तुम सबरी। तो अब मैं जा रही हूँ, ये देखो किसी ने यहाँ पर आग जला दी है। ये बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है यहाँ पर आग जलने की वजह से। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं अपने घर से निकल चुकी हूँ, अब मैं खेतों की तरफ बढ़ रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरे घर के पास के धान भी कट चुके हैं, ये थोड़े से बचे हैं और सारे खेत के कट चुके हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं मैं धानों के बीचों बीच आ गई हूँ, अब मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरे साथ मेरा भाई भी आया है, ये जो पीछे आ रहा है। और अब मैं काफ़ी, ये देखो दोस्तों किस तरह से ये धान गिर गए हैं हवा की वजह से। हवा ज़्यादा ज़ोर की चलती है तो धान गिर जाते हैं। और मैं भी एक कीचड़ से निकल के जा रही हूँ, आप लोग को दिख रही हुई कीचड़, वहाँ से निकल के जा रही हूँ। यहाँ पर काफ़ी बड़ा बड़ा रहचा है और ये मेरे ऊपर तक हो के जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, रहचा की फली कितनी अच्छी है, फलियाँ। ये देखिए दोस्तों, मैं धान के खेत में से निकल के जा रही हूँ और अभी मेरा पैर भी फिसल गया, सारी कीचड़ में मेरी टांग सन गई। जाल पर पड़ी हुई है और कितनी अच्छी लग रही है। अब मैं निकल के जा रही हूँ, ये फूल कितने अच्छे खिल रहे हैं, इस पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये सफ़ेद कलर के फूल हैं। ये देखिए दोस्तों, तोरई की बेल कितनी अच्छी तरह से पड़ रही है इस पर, और ये इस पर ये तोरई भी आ रही है और इस पर ये फूल है और इस पर ये फूल भी आ रहा है और ये इस पर बांधने हैं जिसमें से फूल आता है, ये थोड़ा थोड़ा फूल बन रहा है इसमें। और ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे हैं, ये पूरा खेत तोरई से ही भरा हुआ है। ये ज़मीन वाली तोरई है, जाल वाली नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये कितनी अच्छी तरह से खेल रही है, जिसे लट्टू कहते हैं और ये उसे घुमा रही है। और ये हमारे पीपल बाबा हैं जिन पे पूजा करते हैं हम। तो मैं आपको ले चलती हूँ खेत में। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर तोरई के खेत में आ चुकी हूँ और अब मैं आपको गोभी भी दिखाती हूँ। ये काफ़ी नीचा है जाल, इसीलिए मुझे झुककर चलना पड़ रहा है। अब मैं आपको गोभी दिखाती हूँ। ये देखो दोस्तों, मैं गोभी के खेत में आ चुकी हूँ, मैं आपको गोभी दिखाती हूँ। तो आपको ये गोभी की फसल दिख रही होगी कितनी अच्छी तरह से हो गई है। मैंने आपको एक वीडियो में और दिखाई थी जब ये छोटी छोटी थी, मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ कितनी अच्छी फसल हो गई है गोभी की। वो मेरा भाई खड़ा है। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा है, अभी इस पर गोभी आई नहीं है, ये सिर्फ पेड़ ही है। तो दोस्तों इसमें मूली भी है, मैं आपको दिखाती हूँ मूली की फसल। ये इसमें छोटी छोटी मूली है, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, बड़ी हो जाएंगी तो मैं आपको एक वीडियो में दिखाऊंगी। और मैं आपको बड़ी बड़ी गोभी भी दिखाती हूँ। ये कितना अच्छा लिस्पिट का पेड़ है और ये किल्ले भी आ रहे हैं काफ़ी लिस्पिट के, ये कट्ठा के हैं। और यहाँ पर ये सेम की बेल पौड़ी हुई है इस पेड़ के ऊपर, देखो दोस्तों कितनी अच्छी तरीका से ये सेम की बेल पौड़ गई है, यहाँ से यहाँ तक, ऊपर तक है यहाँ तक। और ये भांग का पेड़ है जिसमें से भांग जो आती है, ये फूल कितने अच्छे झाड़ी के, ये देखो दोस्तों कितने अच्छे फूल हैं, इनमें से खुशबू अच्छी आती है। और ये जो घास है, ये खुजली करने वाली घास है, ये खुजली भी कर देती है।
ये देखो दोस्तों कितने अच्छे पेड़ हैं इस खेत के। और ये कट्ठा का पेड़ है जिस पे शहतूत आते हैं, और इस झाड़ी पर इसके फल भी। ये देखो दोस्तों कितने अच्छे फल हैं इस पेड़ के। और इस पर ये जो है ये अभी पका नहीं है, पक जाएगा तो ऐसे ही हो जाएगा काला काला। और अब मैं आपको और भी दिखाती हूँ बहुत कुछ। तो दोस्तों मैं आपको मिर्ची के पेड़ दिखाती हूँ। ये देखो दोस्तों कितने अच्छे मिर्ची के पेड़ हैं, ये देखिए दोस्तों। और इस पर ये फूल भी आ रहा है। हाँ ये कितने अच्छे मिर्ची के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। और आधे खेत में मिर्ची के पेड़ हैं और आधे खेत में गोभी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप लोग गोभी को देख सकते हैं। और ये मिर्ची के पेड़ हैं वहाँ तक, अभी इन पर मिर्ची आने वाली हैं बस कुछ दिनों के बाद में, अभी इन पर फूल ही आए हैं। ये देखो दोस्तों यहाँ पर ये कि पुराना घर है जहाँ के घर वाले कहीं चले गए हैं छोड़ के, और ये काफ़ी फूट भी चुका है, गिरने की कतार पे आ गया। और ये भी है एक, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो दोस्तों ये ऊपर तक है, और मैं आपको अंदर चल के दिखाती हूँ गिर ना जाए। और वहाँ पर एक अलमारी भी बनी हुई है जो फूट चुकी है पूरी तरह से, और यहाँ पर भी बनी हुई है। और ये टूट कर गिर गया है जिस पर घास उगाई है। ये देखो दोस्तों ये वहाँ तक है, और यहाँ पर ये पेड़ जमाए हैं खाली जगह पर। ये देखो दोस्तों किस तरह से ये जाली लगा दी ताकि घरों में जानवर ना आए या फिर कोई गाय भैंस ये ना आए। और ये झाड़ी काट कर डाल दी है लकड़ी बनाने के लिए, या फिर घरों में ज़्यादा हो जाती है तब काट कर डाल देते, तो मैं इसके नीचे से निकलती हूँ। तो दोस्तों मैं जाने वाली हूँ, घर पे पहुँच रही हूँ मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ, काफ़ी अंधेरा होने वाला है। और अब सूरज भी ढल चुका है काफ़ी देर का, बस मैं पहुँचने वाली हूँ घर पे। अब मैं घर पे पहुँच चुकी हूँ, अब मैं घर पे आ गई हूँ, आप लोगों को मैं दिखाऊँ तो। अब मैं घर के अंदर आ गई हूँ, तो ये देखिए दोस्तों मेरी मम्मी यहाँ पे खाना पका रही है। तो मेरी मम्मी ये चावल बीन रही है, मम्मी लगता है दाल चावल बनाएंगी। और ये